नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी। जिसके लिए हमें चाहिए तेल, सोया बड़ी जिसे हमने बॉईल कर लिया है और इसे अच्छे से निचोड़ लिया है, प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, दो टमाटर जिसे हमने बॉईल कर लिया है, बाद में हम इसे पीस लेंगे, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं हम सोया बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी बनाना। हमने पैन गरम कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, हम इसे 2 मिनट ढक कर पकाएंगे। हम सब्जी चेक कर लेते हैं, प्याज भी हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोया बड़ी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। हम इसे ढक देते हैं, जब तक हमारी सब्जी सॉफ्ट हो रही है तब तक हम टमाटर भी पीस के रख लेते हैं। सब्जी चेक कर लेते हैं, सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने टमाटर पहले से बॉईल कर लिया था, इसलिए इससे ज़्यादा पकाना नहीं है। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी सोया बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।